अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? लें जी, आज आपको सैर करवाते हैं हेलीफैक्स की। आज प्लान बना के चलें जी, चलते हैं हेलीफैक्स। हेलीफैक्स बहुत खूबसूरत जगह है। हेलीफैक्स ऐसे ही आपको लगेगा जैसे आप मरी में या पथरियाटा ऐसे किसी इलाके में घूम फिर रहे हैं, मगर नहीं, ये हेलीफैक्स है जनाब, यूके का शहर और बड़ी खूबसूरत जगह है। हिली एरिया, सारा पहाड़ है और आपको दूर दूर से फार्म भी नज़र आएंगे, भेड़ बकरियाँ घोड़े ऐसे ऐसे फॉर्म बने हुए हैं यहाँ पे बड़े खूबसूरत किस्म के। तो चले आए, चलते हैं, आज आपको सैर कराते हैं। व्लॉग ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है, तो साथ दीजिएगा। आए चलते हैं फिर साथ, आ जाए फिर। ये है जी हेलीफैक्स, चेक करें कितनी पहाड़ी पे है। उधर से रोड आ रही है सीधा, सारा हेलीफैक्स रोड ही है। आपको दिखाते हैं जी आगे होके थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फार्म हाउस हैं सारे, घोड़े भी बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के नज़र आएंगे। ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी आपको मज़ीद आगे लेके चलते हैं, आगे सैर करवाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये तो बस अभी समझ लेके मैं इस रोड से आया हूँ, तो मैंने आपको दिखाना स्टार्टिंग से, मैंने कहा दिखाऊँ आपको कि क्या खूबसूरत जगह। और वैसे भी मौसम भी बड़ा प्यारा, आज तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है। माशाल्लाह, नहीं जी चलते हैं फिर साथ साथ, आपको लेके चलते हैं, चलें आप भी साथ। देखें जी रोड चेक करें कैसी है, एक छोटी सी रोड और लेफ्ट और राइट खाई है जनाब। लेफ्ट में तो बिल्कुल प्रॉपर लिखाई है सारी की सारी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखें एक छोटी सी सड़क है और लेफ्ट और राइट पर कितनी खाई है, सारा है हेलीफैक्स। और ये नहीं समझना आपने कि हम मरी के किसी शहर में घूम रहे हैं, शहर सॉरी मरी के किसी स्ट्रीट में। तो ये है हेलीफैक्स। हेलीफैक्स में बेसिकली सारा यानी एरिया ऐसा ही है, मोस्टली जिगजैग ऊपर नीचे सड़कें, कुछ समझ नहीं आती कि किधर जाना था किधर नहीं जाना, नेविगेशन के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उसके बगैर आप चल नहीं सकते, कि नेविगेशन के बगैर अगर आप कहीं घूम गए तो घूम गए। अभी देखिए कितनी खूबसूरत जगह है यार ये वाली, दिखाते हैं आपको। सारा फार्म हाउस है ना बेसिकली। ट्रैक्टर आ रहा है जनाब, गिदड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें काफ़ी आती हैं, जानवर कोई भी आ सकता है, हिरन आ सकता है। तो अल्लाह पाक की ख्याल रखे, बाकी ये खूबसूरती बहुत है, आप देख ही रहे हैं। मौसम बड़ा प्यारा है, मैंने शीशे नीचे किए हुए गाड़ी के और मुझे कोई इस टाइम वो सर्दी वगैरह कोई लग रही है। देखिए ये चेक करें जनाब, रोड ये है सही एडवेंचरली रोड।
खूबसूरत सीन है ये देखिए, क्या खूबसूरत सीन है कसम से। घर देखे माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये सारा हेलीफैक्स है। अगर एक चीज़ है यहाँ पे बर्फबारी में नहीं आप आ सकते, ये भूल जाए आप कि बर्फबारी में इधर आ जाए, बर्फबारी में आना बहुत मुश्किल है भाई। मतलब ये है कि चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट पे हमें जाना चाहिए और मजीद, मुझे अभी पता नहीं चला, ये तो सीधी सीधी रोड जा रही है, तो यू टर्न लेते हैं, मोड़ते हैं गाड़ी यहाँ से, जगह यू टर्न आ जाएगी, यू टर्न लिया जाएगा ना जी, ऐसे कैसे यू टर्न ले सकता हूँ यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, यू टर्न लेने के लिए मुझे लेफ्ट पे टर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेगी थोड़ी देर, देखूंगा नेविगेशन पे कि मेरे रास्ते में मैंने कहाँ जाना है, देखते हैं जी। अब आप देखें, मैंने कैमरा लगा दिया सामने स्टैंड पे, तो अब आप क्योंकि गाड़ी चलाते हुए थोड़ा हार्ड हो रहा है मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर कैमरे को सामने हैंग कर देता हूँ फ़ोन को, तो फिर आप देखते जाएं वीडियो। ये सीधी रोड वापस जा रही है ब्रेडफोर्ड की तरफ, तो यानी कि पहले मैं हेलीफैक्स आया हुआ था, हेलीफैक्स से वापस जा रहा हूँ। अगर मैंने कोशिश की मैं कंट्री साइड से, क्योंकि हेलीफैक्स मोटरवे भी है, मगर मैं मोटरवे से नहीं आया, मैंने सोचा कि आपको अंदर से कंट्री साइड से ले जाया जाए, सारा दिखाया जाए। देखिए जी, फुल टाइम नीचे ढलान है जी, चेक करो माशाल्लाह। ये देखिए सामने घर भी देख लो, ओके, मौसम देखें क्या खूबसूरत है यार। अभी हमने इधर से जाना है नीचे, अब आप नज़ारे चेक करें नीचे जाने के। माशाल्लाह देखें ना, वही बात ना जो मैंने आपको पहले बताई कि स्नो में बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना, चुप करके इसी मौसम में आना जाना रखना कंट्री साइड से, अदरवाइज बाहर से मोटर पे यूज़ करें हेलीफैक्स आने के लिए, क्योंकि हेलीफैक्स आने के लिए बहुत रास्ते लगते हैं, तो ये ब्रेडफोर्ड के अंदर अंदर रास्ता आता है जो अपना हेलीफैक्स की तरफ आता है, मगर कंट्री साइड है सारी, तो मैंने इसलिए यूज़ किया था, अदरवाइज़ हेलीफैक्स हम मोटर पे से आएंगे तो फिर बाहर बाहर से आ सकते हैं आप। अगर आप अभी ये फील देखें, ऐसी लग रहा है मुझे ऑनेस्टली कि जैसे मैं मरी में ही हूँ और ये यूबिया की क्या कहते हैं ना चढ़ाइयों की तरफ चढ़ता जा रहा हूँ जनाब, फुल चढ़ाई चल रही है गाड़ी ऊपर की तरफ, इसलिए तो जब पाकिस्तान आते हैं फिर मरी जाने को दिल नहीं करता यार कि जाना मरी, हम तो रहते ही मरी में तो ये मेरे घर से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव है, 20 मिनट में बंदा यहाँ पहुँच जाता है, क्या जाना कहीं मरी वाली साइड पर यार।
ज़्यादा सीन है। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि यहाँ गाड़ी रोकने से कोई ये ना हो पीछे से कोई गाड़ी आए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए कि हॉर्न पे हॉर्न लगा दे वो भी। तो जगह देखता हूँ कि मुझे एक ऐसी स्पॉट मिल जाए जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करके आपको सीन चेक करा सकूँ लेफ्ट पे कि लोगों ने घर कैसे बनाए हुए हैं। कोशिश करता हूँ यहाँ गाड़ी खड़ी करने की, देखते हैं फिर दिखाते हैं आपको। लें जी, सीन ये है जनाब, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाएं गाड़ी से उतर के। नेचुरल ब्यूटी की तो फिर अपनी बात है ना, खूबसूरती देखें माशाल्लाह। क्या बात है जी, ये रोड सीधी जाती है हेलीफैक्स की तरफ नीचे और ये वापस ऊपर ब्रेडफोर्ड कीतली शिपली सारे एरिया यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे वापस। और मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि चाहे आप रात को भी आधी रात को भी यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। हाँ, इशू सिर्फ यही आते हैं कि सड़क पे आपको कोई जानवर वगैरह ना आगे आ जाए, अदरवाइज़ वैसे ये कोई इशू नहीं कि आपको कोई लूट लेगा, कोई क्या कहते हैं ना कि बंदा आगे आ जाएगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इशू इतने हैं, इतना ही है कि ये जैसे जंगल है ना बेसिकली यार सारा, तो जानवर वगैरह ना निकल आए बाहर, उस वजह से थोड़ा डर लगता है। वैसे इन्होंने बार लगाई हुई इतनी है, ये देखें सारी बार वगैरह लगी हुई है, लोग गाड़ी वगैरह आ रही हैं, लोग रोड बहुत खूबसूरत है देखें ज़रा माशाल्लाह। इधर से चेक कर रहे हैं, मीटर से चेक करवाते हैं, देखें क्या सीन है ये। और ये मज़े की बात आपको बताऊँ, ये हमारे घर ब्रेडफोर्ड से भी नज़र आता है ये सारा हेलीफैक्स इस तरह, क्योंकि हमारा घर भी जो है ना बहुत ऊपर ऊंचाई पे है, तो उधर से जब हम स्ट्रीट पे खड़े होते हैं, मैं किस दिन आपको दिखाऊंगा स्ट्रीट पे खड़े हो तो सारा नज़र आता है ब्रेडफोर्ड का एरिया और हेलीफैक्स से सारा, क्योंकि दूर दूर तक ये पहाड़ नज़र आते हैं। और जब बर्फ़ पड़ी होती हो तब तो क्या आप सोचें कि क्या सीन होता होगा तब। अभी तो माशाल्लाह सब्ज़ा सब्ज़ा है, क्योंकि अब ये अप्रैल आने वाला है तो बस अभी मौसम गर्म होता जाएगा, दिन बड़े होते जा रहे हैं, तो माशाल्लाह खूबसूरती यही है। चलते हैं आपको लेके चलते हैं अभी ऊपर की तरफ साथ साथ गाड़ी में, मैं कैसे पहले उतर के आपको दिखाते हैं। ये जनाब लग जाओ भाई यहाँ पे ऐसे, तो गाड़ी करते हैं टर्न, आपको ये बता दूं यहाँ पे मोस्टली कोशिश करनी है कि गाड़ी आपने पहले और दूसरे गियर में चलानी है, ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट ही चलानी ज़्यादा कोई भी यहाँ पे आए तो, क्योंकि रोड ऐसा ही है यार, गाड़ी अचानक आगे से कोई आ जाए आप स्पीड में हो तो खतरनाक हो सकती है ना, खुदा ना खास्ता कोई हैपन हो सकता है, इसलिए कोशिश करो कि पहले और दूसरे गियर में बहुत कर लो तो तीसरे गियर में पास, डिपेंड ऑन योर स्पीड एनीवे, तो चलाते हैं बस ठीक है। ये सारे शहर साथ साथ ही जुड़े हुए हैं, बड़े मज़ेदार शहर हैं जनाब, जहाँ दिल करे हेलीफैक्स में बड़े खाने शाने वाली शॉपें, बड़ी खूबसूरत किस्म की शॉपें हैं वहाँ पर, फूड
जो मज़ेदार फूड है ना वो ब्रेड फूड ही है जनाब, आपको सही बात बताऊँगा। ब्रेड फूड हो गया, मैनचेस्टर हो गया, लंदन हो गया, बर्मिंगम हो गया, यहाँ पे फूड इनसे अच्छी जगह पे फूड इनके अलावा नहीं मिल सकता आपको यूके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ब्रेड फूड में जहाँ हम लोग रहते हैं पाकिस्तानी खाने और ख़ासतौर पर लाहौरी खाने बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आपको पता लाहौर से तो लाहौरी खाने पसंद करता हूँ भाई, लाहौरी खाने खाने पड़ते हैं मोस्ट, हर घर से खाते हैं यार। तो कभी दिल करे आप टीम पर बाहर जाने की तो फिर मोबाइल से खाना खाना पड़ता है, ये एडवांटेज है हमें अल्हम्दुलिल्लाह के प्लेटफॉर्म में बड़े अच्छे अच्छे खाने के रेस्टोरेंट्स हैं जो लाहौरी टेस्ट आपको मिल जाता है भाई खाने से। ये परेशानी नहीं होती है यार परदेश बैठे हुए हैं तो खाने का मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, खाने का बहुत मज़ा है भाई। बल्कि आप लोग आएँ, जब कोई भी आना चाहता है ब्रेड फूड है मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको बताऊंगा कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, कौन सा रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा है। और प्राइस वाइज तो आपको ऑनेस्ट बात बताऊँ पूरे यूके से सबसे सस्ता खाना पीना हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड फूड में है। तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा खाने पीने की कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए वो भी बहुत रिजनेबल प्राइस मिलती है बाकी शहरों के बनस्बत। लंदन तो है वेरी एक्सपेंसिव है, इसीलिए अकोमोडेशन के लिहाज से भी और बच्चों के स्कूलों के लिहाज से भी, बच्चों की तरबियत के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड फूड इज़ वेरी बेस्ट। तो अभी ये सीधा जाता जा रहे हैं, स्टिल रोड की इतनी तरफ जाई जा रही है हम भी आपके साथ साथ हैं जहाँ जहाँ मेरी गाड़ी और रोड ले जाएगी। देखिए आगे जी बस आ रही है, ग्रीन बस, इस पर ब्रेड फूड लिखा हुआ है, ब्रेड फूड जा रही है। मौसम आप देख रहे हैं, मौसम बड़ा प्यारा हुआ है यार, मौसम इसलिए प्यारा कह रहा हूँ कि ना गर्मी है ना सर्दी है, बड़ा प्यारा टेम्परेचर है बाहर का, तो उस लिहाज से अच्छा लग रहा है मौसम, सर्दी नहीं है। नहीं चलता साल किस तरह साल हो सकता है। तो
आप ये देख लें कि मैं हेलीफैक्स से निकला हूँ, कीतली की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में दो तीन शहर आए हैं, ब्रेडफोर्ड आया है, एक दो शहर और मैं छोड़े हैं अभी कीतली की तरफ। बस कीतली पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और लगेंगे यहाँ से भी बस। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सारे एक जैसे नज़ारे हैं माशाल्लाह। कीतली शहर नज़र आ रहा है जी सारा माशाल्लाह। स्पीड है, उसी स्पीड के मुताबिक चलना है, स्पीड ज़्यादा बढ़ानी नहीं है।